वेलकम, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये आज क्या लिख दिया मैंने बोर्ड पर, इंग्लिश की पोएम बच्चों की, वो भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। लेकिन मैं बता दूं कि इस पोएम में भी मैथमेटिक्स है। आप कहेंगे इसमें क्या मैथमेटिक्स है, तो घबराइए मत, अभी हम देखेंगे इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या मैथमेटिक्स है। लेकिन उससे पहले आप हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर कि चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ये नॉलेज इज पावर वहां पर लिखा होगा, देखिए सामने, उसके सामने लिखा है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कीजिए उसको और नोटिफिकेशन बेल को कर दीजिए ऑन, ताकि आपके पास इस तरह की जानकारी, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, सबसे पहले। तो वीडियो को लाइक तभी कीजिएगा, शेयर तभी कीजिएगा अगर पसंद आया, और छोटे बच्चों के साथ तो जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि उनको बहुत मजा आने वाला है इसमें। तो अब देखते हैं कि इस पोएम में क्या मैथमेटिक्स है, क्या लॉजिक है। ये पोएम तो आपने बचपन में जरूर सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब चलते हैं इसके मैथमेटिक्स पर, और मैं पहले बता दूं हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये काम कुछ ऐसा ही है कि आप हैरान तो हो ही जाएंगे। तो हमने करना क्या है कि जो पहली दो लाइनें हैं, जो ये पहली दो लाइनें हैं, इनमें से आप कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक वर्ड चुन लीजिए, सिर्फ ये आप आई छोड़ दीजिए, इसको नहीं चुना आपने, बस बाकी इनमें से कोई भी वर्ड चुन लीजिए, कोई भी। चलिए आप कहते मैंने ये वाला ट्विंकल चुन लिया, दूसरा वाला इसे चुन लिया हमने, तो अब आपने करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा बात, क्योंकि एक एक बात समझने वाली है यहां पर। कि अब ये ट्विंकल आपने वर्ड चुन लिया है, तो अब इससे आपने क्या करना है, आप इसके अल्फाबेट्स काउंट कीजिए कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात। जो ट्विंकल वर्ड आपने चुन लिया है इसमें सात अल्फाबेट है, तो अब आपने करना क्या है कि जो वर्ड आपने ये ट्विंकल आपने चुन लिया था, ये मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं, उसको आपने जो चुन लिया था, आप इसके ऊपर एक लिखकर, और क्योंकि इसमें सात अल्फाबेट है तो सातवें वर्ड तक आपने पहुंचना है। तो ये आ गया आपका एक दो तीन चार पांच छ सात, तो सातवां वर्ड आपका क्या आ गया है, सातवां वर्ड आ गया है आपका व्हाट। अब दोबारा वही काम करना आपने कि ये जो व्हाट है इसमें आपने अल्फाबेट काउंट करने कितने हैं, तो इसमें अल्फाबेट है एक दो तीन चार, तो अब इसके ऊपर वाला आप सात हटा दीजिए और यहां से दोबारा काउंटिंग शुरू कीजिए एक से, और कहां तक जाना है आपने, बिल्कुल सही, आप जाएंगे इस बार चार तक। तो ये हो गया आपका एक दो तीन चार, तो आप पहुंच गए अप पर। तो अप में अब कितने अल्फाबेट हैं, दो हैं, तो अब आप इसको कर लीजिए अंडरलाइन और इसको यहां से हटा लीजिए और काउंटिंग फिर शुरू कीजिए इसके ऊपर से, कितनी बार करनी है, बिल्कुल सही, दो बार, क्योंकि इसमें दो अल्फाबेट हैं, तो एक और दो। अब आप किस वर्ड पर आ गए, आप आ गए अबव पे, तो अबव को कर दीजिए आप अंडरलाइन और इसके अल्फाबेट काउंट कीजिए एक दो तीन चार पांच, तो फिर वही काम करना आपने, अबव के ऊपर वाला जो था उसको हटा दीजिए और एक से काउंटिंग कीजिए दोबारा शुरू, एक दो तीन चार पांच। चलिए अब आप पहुंच गए हाई वर्ड पर, तो हाई को कीजिए अंडरलाइन और इसके काउंट कीजिए आप अल्फाबेट, तो इसके अल्फाबेट कितने हो गए, चार, तो अब यहां से आप काउंटिंग शुरू कीजिए एक दो तीन चार, आप आ गए डायमंड पर, बहुत अच्छा प्रीशियस स्टोन है डायमंड, तो डायमंड के आप काउंट कीजिए अल्फाबेट्स एक दो तीन चार पांच छ सात, तो काउंटिंग आप कहां से शुरू करनी है आपने, डायमंड से, तो यहां से चार हटाइए, काउंटिंग शुरू कीजिए एक दो तीन चार पांच छ सात, और अब किस वर्ड पर पहुंच गए आप, लिटिल पर, तो लिटिल को कर दीजिए लिटिल सा अंडरलाइन और अब इसके अल्फाबेट काउंट कर लीजिए एक दो तीन चार पांच छ, तो अब इसके ऊपर आप एक लिखकर छह तक काउंट करेंगे, तो
तो ये आ जाएगा एक दो तीन चार पांच छह। अब इसके आगे आप जान नहीं सकते क्योंकि चार आ गया, एक दो तीन चौथा आ गया है नहीं, तो ये हमारे पास आ गया लास्ट। व्हाट? ये आ गया हमारे पास आखिरी। अब मैंने यहां से ट्विंकल से शुरू किया था तो, और मैंने आपसे कहा था कि पहली दो लाइन में से आप इस आई को छोड़कर कोई भी ले लीजिए, शुरू कर लीजिए। और अब आप कोशिश करके देखिए दोबारा कि कोई मर्जी और शुरू करके देख लीजिए, क्या आप वॉच के अलावा किसी और पर खत्म कर पाते हैं? अगर आप किसी और पर खत्म कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मुझे तो यही पता है कि आप पहली दो लाइनों में से जो मर्जी वर्ड ले लें, आपकी कहानी तो खत्म वॉट पर ही होगी, क्योंकि इसका जवाब क्या है? वॉट क्या, तो क्या ही इसका जवाब है, और हर बार वॉट आएगा, आप करके देख लीजिए। तो ये मैथमेटिक्स, मैथ का एक जादू है, इंग्लिश में भी मैथमेटिक्स छुपी है, और इंग्लिश की इस फेमस बच्चों की पोएम में भी मैथमेटिक्स छुपा है। तो ये रहा आपके पास ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का मैथमेटिक्स। कुछ और मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स लेकर आएंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।